आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर जेल महल, जहां इस समय सेना का शौर्य देखने को मिल रहा है। एयर शो आयोजित किया गया है पूरा करते हुए। डोंट लुक जस्ट लाइक शूटिंग स्टार्स, मेक अ विश बिकॉज टुडे इज योर लकी डे। और आप तैयार हो जाइए टीम की दूसरी फॉर्मेशन के लिए। अब आप देखेंगे टीम मेंबर्स को पीछे की तरफ शिफ्ट होते हुए। अब टीम शिफ्ट होगी विंग्स पे नंबर 4 के, जो है हमारी टीम के डेप्यूटी लीडर विंग कमांडर सिद्धेश कार्तिक। और अब गौर से देखिए कैसे टीम एक नई फॉर्मेशन में अपने आप को बनाते हुए दिख रही है। ये फॉर्मेशन समर्पित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को, जिसने भारत को आत्मनिर्भरता के बहुत करीब पहुंचा दिया। Please put your hands together for the Tejas formation. After displaying the mighty Tejas, the next formation is a tribute to yet another remarkable achievement of India. Coming up next is the Vikram formation, dedicated to ISRO's Chandrayaan 3 lander Vikram. लेकिन आसमान की तरफ देखते रहें, क्योंकि अब आप कुछ रोमांचक देखने वाले हैं। कृपया टीम की पिछली तरफ नजर बनाए रखें। और ये है हमारे नंबर 7, जो कि टीम से अलग होते नजर आ रहे हैं। लेकिन घबराए नहीं, क्योंकि वो जल्द ही आप सबसे मिलने आएंगे एक नए रूप और एक नए अंदाज में। और टीम अब आ चुकी है एक विक्रम फॉर्मेशन में, जो समर्पित है इसरो के हाल ही में संपन्न हुए मिशन चंद्रयान 3 को, जिसके विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी भाग पर लैंड कर भारत को ऐसा करने वाला पहला देश बना दिया। और ये थी हमारी विक्रम फॉर्मेशन, जो कि समर्पित थी हमारे होनहार वैज्ञानिकों को, जिन पे आज हमें बहुत नाज है। दर्शकों, आपको याद होगा कि हमारी टीम के एक मेंबर टीम से अलग हो गए थे, याद है? ये रहे नंबर 7 फ्लाइंग इन प्रोजेक्ट। And that was number 7, squadron leader Chandel flying inverted. मैं आपको बताना चाहूंगी कि फॉर्मेशन में लीडर के दाहिनी तरफ उड़ान भरते हैं नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर वशिष्ठ, उनके पीछे रहते हैं नंबर 6 विंग कमांडर आलोक, और उनके पीछे रहते हैं नंबर 8 स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु। कृपया अपनी नजरें दाहिनी तरफ ही रखें, क्योंकि अब आपको टीम जल्द ही दोबारा दिखाई देने वाली है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर वशिष्ठ जयपुर के ही बेटे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लुक टू योर राइट, द टीम इज ऑल सेट टू शो यू द नेक्स्ट मैनूवर, द क्लोवर मैनूवर, एंड हियर दे गो। And here we go, displaying the clover, which is a symbol of hope, faith and good luck, sending you best wishes from the sky. Ladies and gentlemen, picture अभी बाकी है, क्योंकि आपकी दाहिनी ओर से आ रहे हैं नंबर 7, आपको हॉप जहाज का बहुत नजदीकी व्यू दिखाने।
helping our heroes fly high in the sky are our heroes on the ground. Our team of skilled technicians is led by Wing Commander Negi, Squadron Leader Dayal, Flight Lieutenant Manil and Master Warrant Officer Kuldeep Kumar. एंड अब अपनी बाई तरफ नजरें बना के रखें क्योंकि टीम जल्द ही आपके सामने आने वाली है अपनी सिग्नेचर फॉर्मेशन यानी कि डायमंड फॉर्मेशन में. ये रहे आपके सामने. और ये था हमारी टीम का डायमंड रोल मैनूवर विच वॉज डेडिकेटेड टू ऑल द ब्यूटिफुल लेडीज इन द ऑडियंस टुडे. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट द टीम मेंबर्स विच यू सी फ्लाइंग ऑन द लेफ्ट आर नंबर 3 विंग कमांडर हुड्डा, नंबर 5 विंग कमांडर भारद्वाज एंड नंबर 9 स्क्वाड्रन लीडर एलन. आपको जान के खुशी होगी कि हमारे नंबर 5 and that is number 7 once again blazing through the skies at more than 800 kilometers per hour. Aur ye thi hawk ki bill dehla dene wali dahar. Aur hamari number 5 wing commander Bhardwaj Jaipur ke hi bete hain to please give them a huge round of applause. And now keep looking straight ahead. As the team is now ready to come in front of you once again. This is one of the most hair-raising maneuver which you will witness. Watch closely as the team members cross each other and will break away for an exhilarating display. और अब देखिए कैसे टीम लीडर के एक कॉल पे सूर्य की किरणों की तरह बिखरेंगे ये विमान. अगली कॉल टीम लीडर की. And that marks the end of the composite phase of today's display. लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों. Get set as now we bring the thrill much lower and closer to you. So keep looking to your left and your right. देवी और सजनों कृपया अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और अपनी दाहिनी और बाईं ओर देखिए एज हियर कम नंबर 8, 9, 6 एंड 8 फॉर बार्ब्ड वायर क्रॉस. Wasn't that just breathtaking? ऐसा लग रहा है मानो ये जहाज एक दूसरे को छू कर जा रहे हों. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे जोखिम भरे कर्तव्य इतनी माहिरता से करने के लिए कड़ी मेहनत और एक दूसरे पे पूरी तरह भरोसा करना बहुत जरूरी है. और इसी भरोसे की एक और मिसाल आपको दिखाने आ रहे हैं हमारे नंबर 8 और नंबर 9 एक और बार आपकी दाहिनी और बाईं ओर से. तो कृपया अपनी दोनों तरफ नजरें टिका के रखें. और ऑडियंस के वो सदस्य जिन्होंने पहला मैनूवर मिस कर दिया इस बार अपनी पलकें ना झपके क्योंकि आ रहे हैं हमारे नंबर 8 और नंबर 9.
और ये था हमारी टीम का एक हवाई हाई फाइव। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस समय ये जहाज जमीन से मात्र 100 फीट की दूरी पर उड़ान भर रहे हैं। देवी और सज्जनों, कृपया अपनी दाहिनी तरफ देखते रहें क्योंकि अब आ रहे हैं 5 सूर्य किरण के जहाज ठीक आपके दाहिनी ओर से। आपकी बाई तरफ से जिन्होंने एंट्री की वो थे हमारे शरारती नंबर 5 विंग कमांडर भारद्वाज, जस्ट पियर्स दिया।